बट एक और चीज मेरे दिमाग में खटक रही थी, वो था हमारे जो अकाउंट्स थे उसमें करीब 12-13 साल से, जैसे मिस्टर वेंकटेश ने मुझे बताया, कुछ 2,90,131 रुपीज इस टाइप का कुछ था, एक डिफरेंस चल रहा था। डिफरेंस किस चीज का? हमारे हिसाब से जो नोट्स इन सर्कुलेशन होने चाहिए और जो निकल के आता था हिसाब में, इशूड माइनस जो हमारे पास है। आप सोचोगे ये 2,90,000 का डिफरेंस तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम नोट्स इन सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी 20-30 हजार करोड़ रुपया नोट्स इन सर्कुलेशन था इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छोटा अमाउंट था। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, हम जब डिनोमिनेशन वाइज देखते थे 500 का, 100 का, 50 का, 20 का ऐसे, तो डिनोमिनेशन वाइज जो डिफरेंस था वो हजारों हजारों करोड़ में था, कि डिनोमिनेशन वाइज अकाउंटिंग गड़बड़ थी, गलत हो रही थी, ठीक से डेटा ही नहीं आ रहा था। हाय एवरीवन, एग्जाम भी में आपका स्वागत है फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन ऑफ योर जॉब। मेरा नाम है चंद्रप्रकाश जोशी। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ अपना वर्स्ट पोस्टिंग एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग और अकाउंटेंट का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं एग्रीकल्चर साइंसेस पढ़ा हुआ बंदा धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ले रहा था। अब सेंट्रल बैंकिंग ही मेरा करियर था और मैंने ग्रेड बी इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब। देश के सेंट्रल बैंक के साथ काम कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया सैलरी थी और करियर डेवलपमेंट लर्निंग का बहुत स्कोप था। लेकिन अकाउंटेंट बनने के लिए थोड़ी ना मैं यहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर आया था। मेरा न कॉमर्स का बैकग्राउंड है, न फाइनेंस का बैकग्राउंड है और न मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। जैसे कि ज्यादातर ग्रेड बी के साथ होता है, पहली पोस्टिंग ऑपरेशंस एरिया में, जैसे इशू डिपार्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट में होती है, तो मेरी भी इशू डिपार्टमेंट में हुई। इशू डिपार्टमेंट आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इशूएंस ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स। लेकिन जहां तक बात है इंटरनल आरबीआई के अंदर, लोग इशू डिपार्टमेंट में इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ महीनों के बाद आप सब कुछ सीख चुके होते हो और केवल ऑपरेशंस मैनेज कर रहे होते हो, जैसे कि बहुत बड़े वेयर हाउस को मैनेज करना। और दूसरा रीजन इसलिए लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे रिस्क है, जहां पे कैश है वहां पे रिस्क है। इशू डिपार्टमेंट के अंदर भी दो टाइप की पोस्टिंग होती है, एक होती है जनरल साइड में, मतलब डिपार्टमेंट को जहां मैनेज कर रहे हैं, और एक होती है इशू के अंदर कैश डिपार्टमेंट में। कैश डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जैसे नया नोट प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई के अंदर आता है, आरबीआई के वॉल्ट में रहता है, फिर वहां से वो डिफरेंट डिफरेंट बैंकों को करेंसी चेस्ट को एलोकेट किया जाता है, और पुराना सॉइल नोट करेंसी चेस्ट से आता है, आरबीआई की वॉल्ट में स्टोर किया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, या जो रीइशू करने लायक होता है उसको रीइशू किया जाता है। आपको मैंने डिटेल में सीबीपीएस वाले वीडियो में बताया हुआ है। मैक्सिमम ग्रेड बी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है कैश डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज हो जाती हैं, अलग अलग वॉल्ट के इंचार्ज होते हैं। एक वॉल्ट में बहुत ज्यादा पैसा, हजारों करोड़ रुपया होता है, बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। मैं अभी हार्डली 6 महीना पुराना था आरबीआई में, और एक दिन मेरे को डीजीएम ने अपने केबिन में बुलाया और कहा, जोशी यू गो टू अकाउंट सेक्शन, यू विल बी पोस्टेड देयर नाउ ऑनवर्ड्स। मैंने सर को कहा, सर द सेक्शन इज राइट नाउ मैनेज्ड बाय एन असिस्टेंट मैनेजर, डू यू थिंक आई एम रियली रिक्वायर्ड देयर। मैं कहना ही चाह रहा था कि शायद मेरे लिए वो पोस्टिंग सही है, तो सर ने बोला, डोंट वरी, यू विल फाइंड एनफ चैलेंज, फर्स्ट यू लर्न हाउ टू मैनेज द एंटायर सेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनीबडीज हेल्प। मैंने बोला, यस सर। और उस समय हम सेम डिपार्टमेंट में 5 दोस्त आरबीआई ग्रेड बी सेम बैच के पोस्टेड थे, और उसमें से हम ज्यादातर लोग बैचलर थे, तो हम ऑफिस के बाद एक के फ्लैट में खाना बनाते थे, साथ साथ खाते थे, और खाते हुए भी आरबीआई की बातें होती हैं एज यूजुअल, कुछ अच्छी और कुछ फालतू की बकवास, और उसके बाद भी वॉक वॉक करना। एक दोस्त को अपने बैच वाले को आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिली हुई थी और वो क्लियरिंग हाउस हेड करने लग गया। दूसरा और एक सेक्शन हेड कर रहे थे बैंकिंग में, 2 दोस्तों को इशू डिपार्टमेंट में अलग अलग वॉल्ट मिल गई। मुझे ही ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे एक ऐसी जगह दे दिया है जिसको मेरे से पहले एक असिस्टेंट मैनेजर चला रही थी मैडम। इनडायरेक्टली इस बात का एहसास मुझे हमारे कन्वर्सेशन में हुआ, मेरे दोस्तों की कन्वर्सेशन में भी, कि मुझे बहुत हल्का, बहुत छोटा काम दे दिया, कुछ करने का स्कोप ही नहीं है। सबसे बुरी बात ये थी, मुझे अकाउंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। खासकर मैंने हिंदी फिल्मों में देखा हुआ था अकाउंटेंट, जिनको हम मुनीम बोलते हैं, मुनी वाला काम तो एकदम ही थियोरेटिकल, नॉन स्ट्रेटेजिक, नॉट चैलेंजिंग लगता था मुझे। लेकिन जैसा कि मेरी कभी आदत नहीं रही है कि हर छोटी बात को लेकर मैं अपने बॉस के पास रोने के लिए जाऊं, आई थॉट ओके लेट मी लर्न, और ये तो मालूम ही है कि ये कोई पोस्टिंग लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना होने वाली है, मैक्स से मैक्स 1-1.5 साल रहेगी। दिस इज वन एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन जर्नल साइड, आरबीआई ग्रेड बी जर्नल जो होता है, आपकी पोस्टिंग ना रोटेट होती रहती है। आपने बहुत ही अच्छा कर लिया तो 3-4 साल रह जाओगे वहां पे,
आपको पसंद भी हो तभी भी ऐसा नहीं है कि आपको रख लिया जाएगा, अगर आपको ना पसंद भी हो फिर भी आपको घूमना है। मैंने ये सोचा चलो अच्छा यार कैश में तो काम करने से बच रहा हूँ, कैश एरिया में भी क्या ही सीखने का है। और कभी कभी मुझे कैश एरिया में जाना पड़ता था जब कोई दूसरा ग्रेड बी ऑफिसर छुट्टी पे होता था, वहाँ पर जो लर्निंग है वो मेरे को मिलती रहती थी विदाउट बींग द इंचार्ज ऑफ द कैश सेक्शन। में पोस्टिंग के तीसरे दिन चौथे दिन मुझे एहसास हुआ कि इस सेक्शन को तो एक्चुअली एक आदमी चला रहा है, इसके पूरा सेंटर करीब 15 लोगों की टीम है, वहां पे सारे क्लरिकल स्टाफ हैं जिनको आज की डेट में आप बोलते हैं आरबी असिस्टेंट, और ये जो एक व्यक्ति है नाम दे देते हैं उनको मिस्टर वेंकटेश, वही वहाँ का ब्रेन है, वही वहाँ के हैंड्स हैं। कि मेरे से तो वो करीब 20-25 साल बड़े थे एज में भी। आई ऑलवेज यूज्ड टू कॉल हिम वेंकटेश गारू और वेंकटेश जी। खास बात ये थी वेंकटेश गारू का काम शुरू तब होता था जब बाकी लोग काम समेटने लगते थे शाम को 4:30 के बाद। वेरी सिंसियर काम का एकदम मेटिकुलस पक्का। दिन में जब और लोग अपना काम कर रहे होते थे तब तो वेंकटेश गारू मिलते थे चाय की दुकान पर सुट्टा मारते हुए, लेकिन शाम के समय पे जो उनका डेडिकेशन होता था काम के प्रति और स्पेशली ऑफिस आवर खत्म होने के बाद, वो मैंने आरबीआई में स्पेशली क्लरिकल कैडर में हार्डली देखा। एंड वेंकटेश गारू जो है वो पिछले 15 साल से जब से वो अकाउंट सेक्शन कंप्यूटराइज्ड हुआ था तब से उसी सेक्शन में है, उन्हें सब पता है। अकाउंट सेक्शन में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहाँ के डे टू डे ऑपरेशंस बढ़िया से कर लूँ। आरबीआई में अकाउंट्स में कैश की जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हमने अपने प्रदेश में, बिकॉज वी वर डूइंग इट फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और उसमें तेलंगाना और एपी एक ही था, 432 करेंसी चेस्ट हुआ करती थी हमारे पास। हमने पूरे आंध्र प्रदेश में जितना नोट एंड कॉइन सर्कुलेट किया है जब से शुरू हुआ है आरबीआई, वो हिसाब तो है ना हमारे पास कि कितने हमने किस डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट छोड़े, आरबीआई से तो रिलीज हुए होंगे, उसमें से जितने वापस आ गए वो भी हमें पता है क्योंकि वापस आए हमने काउंटिंग किया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो बचे हुए हैं वो है नोट्स इन सर्कुलेशन। अकाउंट सेक्शन में मुझे पता होना चाहिए कितने नोट हमने इशू किए आरबीआई ने बैंकों को इशू किए, कितने हमारे चेस्ट में पड़े हुए, करेंसी चेस्ट आरबीआई की होती है मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, और कितने आरबीआई की वॉल्ट के अंदर पड़े हुए हैं। डेली बैंक वाले करेंसी चेस्ट में कुछ जमा करते हैं, आरबीआई के ऑफिस में आके भी जमा करते हैं, तो वो बैंकों की ओर से जमा हो गया और वो कुछ विड्रॉ भी करते हैं करेंसी चेस्ट से, वो निकालते भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने टोटल जमा किया या निकाला और डिनोमिनेशन वाइज वो सारा हिसाब हमारे पास आना चाहिए। अगर बैंक ने नेट नेट जमा किया तो मैं बैंक अकाउंट में जो हमारे यहाँ पर बैंकिंग डिपार्टमेंट में है उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आज इस बैंक ने 200 करोड़ रुपया टोटल जमा किया, इसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपया क्रेडिट कर दो, या इसने 150 करोड़ रुपया आज निकाला है 150 करोड़ रुपया इसके अकाउंट से डेबिट कर दो। एक कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन पूरे स्टेट में जो ट्रांजेक्शन कैश का किया है बैंक ने वो मेरा काम है देना अपने यहाँ पे बैंकिंग डिपार्टमेंट को जहाँ पर उनका अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। अगर बैंक वाले गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो किस तरीके से हम उनकी पेनल्टी लगाते थे ये मैंने बताया हुआ है 4 करोड़ रुपए की पेनल्टी वाले वीडियो में। करीब एक हफ्ते बाद डीजीएम सर ने बुलाया अपने केबिन में, बोला कैसा चल रहा है, हाउ आर यू पिकिंग अप। मैंने बताया सर ज्यादातर लोग तो वहां पे कुछ काम नहीं करना चाहते अकाउंट्स में, वहां काम भी शायद कम होगा, एक है मिस्टर वेंकटेश उन्हीं के भरोसे पूरा सेक्शन चल रहा है एंड ही इज वेरी सिंसियर, लेकिन उनका अपना स्टाइल है अपना स्वैग है और मैं साथ में उनके सीख रहा हूँ, इट्स गोइंग गुड। डीजीएम ने बड़ी गंभीरता से बोला बट डू यू नो व्हाई आई हैव सेंड यू देयर, मिस्टर वेंकटेश टुडे इज इंडिस्पेंसेबल, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एरिया में किसी भी सेक्शन में किसी भी काम में कोई भी व्यक्ति इंडिस्पेंसेबल हो। आई हैव सेंड यू देयर सो दैट वी कैन ट्रांसफर हिम फ्रॉम दैट सेक्शन। 15 साल से वो वहीं पर है एंड एचआर डिपार्टमेंट से मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि मिस्टर वेंकटेश को ट्रांसफर करना है। Once you are comfortable, you give a green signal, I will transfer him next day. मैंने बोला श्योर सर। केबिन से बाहर आते हुए मुझे ऐसा लगा एक हफ्ता पहले जिसको मैं बेकार पोस्टिंग समझ रहा था आज मुझे लग रहा है कि मैं एक खास मिशन पर हूँ। बट ऑन द अदर हैंड टू बी वेरी फ्रेंक टू गेट द कम्प्लीट होल्डिंग ऑन द वर्क, मैंने वेंकटेश गारू को तो अपना गुरु बनाया हुआ था और वो भी मेरे से बहुत फ्रेंक थे, अपने टिपिकल हैदराबादी स्टाइल में बोलते थे जोशी साहेब ऐसे ही होता है, ये बैंकों का मिस्टेक नको रे बाबा, बहुत कामा होना यहाँ पे। पर मेरे को उनके लेट सीटिंग से कोई दिक्कत नहीं थी, मैं भी बैचलर था, 7:30-8 बजे तक काम खत्म हो ही जाता था। वो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मेरी किस्मत वहां पे खुली जहाँ पे मेरे को जाने का मौका मिला एक यूनिक्स बेस्ड ट्रेनिंग में। हार्डली मुझे एक महीना हुआ था अकाउंट सेक्शन में आए हुए
दो हफ्ते की, नॉर्मली 4-5 दिन की ट्रेनिंग हुआ करती थी आरबीएससी चेन्नई में, लेकिन मुझे भेजा गया 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए। एक हफ्ता तो उसमें अकाउंट सिखाया जाएगा और एक हफ्ता टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब हम अकाउंट सेक्शन हेड कर रहे थे तो मैं यूनिक्स बेस्ड सर्वर का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी था, अकाउंट सेक्शन का इंडिपेंडेंट सर्वर था, और उसमें ये सर्वर ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होते थे। हर ऑफिस के, आरबीआई का जैसे हैदराबाद ऑफिस था, उस ऑफिस का अलग सर्वर है। शायद आपने कहीं देखा हो, यूनिक्स एक मल्टीटास्क मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है इसमें, आपको कमांड टाइप करनी होती है, आधे लोग उसी से डर जाते हैं। मैंने पहले डॉस सीखा हुआ था कॉलेज में, मुझे लगा ये कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलेगा मुझे। फॉर्चुनेटली जब आरबीएससी चेन्नई में गया, और आरबीएससी वही है जहां हम अभी 6 महीने पहले अपनी लाइफ के 6 जबरदस्त हफ्ते निकाल के आए थे ड्यूरिंग द इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, बहुत नॉस्टैल्जिक फील हुआ। पहली ट्रेनिंग 2 हफ्ते की मिली तो बहुत अच्छा भी लगा, वीकेंड में रहने का टाइम भी मिला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे इस ट्रेनिंग में मिले मिस्टर श्रीनिवासन, और जैसा मैंने पहले ही बोला मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, माई इंटेंशन इज नॉट टू नेम डिफेम और फेम एनीवन, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई। मिस्टर श्रीनिवासन यूनिक्स के पूरे आरबीआई के अंदर भीष्म पितामह थे, रिटायर हो चुके थे सर, क्लेरिकल कैडर के थे जब उन्होंने ज्वाइन किया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लेरिकल कैडर में ही रहे या लास्ट तक होते होते वो ग्रेड ए या ग्रेड बी बन गए होंगे। वो बताते थे अपनी स्टोरी कि उन्होंने 1980s में जब इंडिया में कंप्यूटर पहली बार आए, कहते इंडिया में कंप्यूटर आए सबसे पहले इसरो डीआरडीओ और आरबीआई में, क्योंकि वो चेन्नई में है, बोलते हैं मैं कंप्यूटर में जाने में इसलिए इंटरेस्ट दिखाया बिकॉज जहां कंप्यूटर लगा था वहां पर एयर कंडीशन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि एयर कंडीशनिंग में बैठने को मिलेगा, तो मैंने बोला जहां कंप्यूटर लग रहा है मैं जाऊंगा। और आपने कहीं अगर सुना हो उसमें कंप्यूटराइजेशन का घोर विरोध हो रहा था सारे वर्ल्ड में और इंडिया में और खासकर बैंकिंग सिस्टम में, कि ये लोगों की जॉब खा जाएगा, जैसे आजकल बात हो रही है एआई लोगों की जॉब ले जाएगी। मिस्टर श्रीनिवासन ने जो सिखाया वो एक इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने सारा कंप्यूटर सब कुछ आरबीआई में सीखा था, वो तो मास्टर थे, मतलब मैं तो आज भी उतना नहीं जानता, वो तो लैंग्वेज सी सब जानते थे और फटाफट हमारे सामने कोड लिख देते थे। इवन उन्होंने हमारा जब टेस्ट कर रहे थे उसके कोड उन्होंने हमारे सामने 15 मिनट में लिख दिया उनको देख के, लेकिन मुझे करेज आ गया कि देखो यार ये बंदा, एंड आई थिंक ही स्टार्टेड लर्निंग ऑल दिस व्हेन ही मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 45-50। ये लगा कि यार जब ये उस उम्र में शुरुआत करके सीख सकते हैं, हम तो उसमें 25 साल के हैं, हम क्यों नहीं सीखेंगे। ट्रेनिंग में तो मैंने सीखा, पूरा सीख लिया जो जो भी उन्होंने बताया, और उसके साथ मैंने कुछ एकाध बुक्स वगैरह खरीद ली यूनिक्स पे। जाने के बाद भी मैं सिस्टम में लगा रहता था। ट्रेनिंग के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे को सच में कॉन्फिडेंस आ गया था। करीब 1 हफ्ते बाद जब मैं अकाउंट्स भी समझ चुका हूँ और अब कंप्यूटर सिस्टम भी समझ चुका हूँ, पूरा सर्वर समझ चुका हूँ, कि मैं डीजीएम को बोल दूं सर नाउ इफ यू वांट यू कैन रिलीव मिस्टर वेंकटेश। बट एक और चीज मेरे दिमाग में खटक रही थी, वो था हमारे जो अकाउंट्स थे उसमें करीब 12-13 साल से, जैसे मिस्टर वेंकटेश ने मुझे बताया कुछ 2,90,000 131 रुपीज इस टाइप का कुछ था, एक डिफरेंस चल रहा था। डिफरेंस किस चीज का? हमारे हिसाब से जो नोट्स इन सर्कुलेशन होने चाहिए और जो निकल के आता था हिसाब में इशूड माइनस जो हमारे पास हैं। आप सोचोगे ये 2,90,000 का डिफरेंस तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम नोट्स इन सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी 20-30 हजार करोड़ रुपया नोट्स इन सर्कुलेशन था इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छोटा अमाउंट था। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, हम जब डिनोमिनेशन वाइज देखते थे 500 का 100 का 50 का 20 का ऐसे, तो डिनोमिनेशन वाइज जो डिफरेंस था वो हजारों हजारों करोड़ में था, कि डिनोमिनेशन वाइज अकाउंटिंग गड़बड़ थी, गलत हो रही थी, ठीक से डेटा ही नहीं आ रहा था। भले से ये 10-11 साल से नेट डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेशन वाइज गलती है, बट अकाउंटेंट बिंग अकाउंटेंट हर साल ये बोलते थे नहीं हमें क्या भरोसा, आपका डिनोमिनेशन वाइज ही ठीक नहीं है, और डिनोमिनेशन वाइज स्टेगनेंट भी नहीं है, कभी आप बोलते हो 500 के इतने हजार नोट हैं, कभी आप बोलते हो उतने हजार नोट हैं। मेरे को लगा अगर मैं इस सेक्शन में रहते हुए कुछ कर सकता हूं, इस अकाउंटिंग डिफरेंस को हटाना है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में है। अगर आपको याद हो 4 करोड़ पेनल्टी वाले वीडियो में रिपोर्टिंग को ठीक करने के लिए बैंकों को ट्रेन किया। बैंकों का सिस्टम क्या था, उनके पास जितनी सारी करेंसी चेस्ट है वहां से डेटा आता था और वो हमको कंसोलिडेटेड डेटा, बैंक का एक नोडल ऑफिस होता था हैदराबाद में, वहां पर से पूरे स्टेट का डेटा हमको एक फाइल में ला के देते थे, फ्लॉपी डिस्क में लेके आते थे, हमारे ऑफिस में जमा करते थे, और साथ में एक हार्ड कॉपी जिस पर उन्हें साइन भी कर रखा है वो भी लेके आते थे। यहाँ पर वो गलती क्या करते थे, वो भी नेट तो टैली करते थे कि टोटल मेरे पास आज मेरी करेंसी चेस्ट में 100 करोड़ रुपया जमा हुआ,
लेकिन ये 100 करोड़ रुपया कितने डिनोमिनेशन 500 के थे, कितने 100 के थे, सब गड़बड़ कर देते थे। खासकर जो डेटा सॉफ्ट कॉपी में होता था, हम क्या करते थे, उस सॉफ्ट कॉपी को अपने सर्वर में अपने सिस्टम में डालते थे, वहां से डेटा पिकअप करते थे। हमारा स्टाफ भी टोटल अमाउंट देख रहा है, टोटल मिल गया वो भी खुश है। डिनोमिनेशन वाइज सब लोग गलती कर रहे हैं और कहां कौन कितनी गलती कर रहा है, नोबडी वाज बॉदर्ड। ये डिटेक्ट करने में मेरे को करीब हफ्ते भर का समय लगा कि गलतियां आ कहां से रही हैं, क्योंकि मैंने एक एक बैंक की डिनोमिनेशन वाइज एक्सेल शीट बनाई। जब एक हफ्ते बाद मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने इसको करेक्ट करना भी किया। मैंने माना कि जो आप हार्ड कॉपी दे रहे हो मुझे, मैं उसको ठीक मानूंगा, और ट्रेनिंग भी ली। बैंकों ने धीरे धीरे ठीक करना भी शुरू किया, बट फिर भी सबका डेटा ठीक नहीं आता था, तो मैं हार्ड कॉपी को ठीक मानता था, उसके हिसाब से सॉफ्ट कॉपी में अपने आप चेंज कर लेता था। ऐसा कर करके जब मेरा 20-25 दिन तक डिफरेंस कांस्टेंट रहा, अब मेरा डिनोमिनेशन वाइज भी डिफरेंस आ चुका है लेकिन कांस्टेंट है, कहीं 2-4 हजार करोड़ ज्यादा है डिनोमिनेशन में, कहीं 2-4 हजार करोड़ कम है, बट टोटल मैच कर रहा है और नेट डिफरेंस तो सालों से बना ही हुआ है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि एक्चुअल कैश है कितना। हर मंथ एंड पे हर करेंसी चेस्ट से एक सर्टिफिकेट आता था कि उनके पास इतना कैश बैलेंस है। मैंने सारे करेंसी चेस्ट को लेटर लिखा, आप मुझे ये चीज दोबारा सर्टिफाई करके दो, क्योंकि मैं इसको ठीक करने जा रहा हूँ और मैं मानूंगा कि जो आप लिख के दे रहे हो वही बैलेंस करेक्ट है, डिनोमिनेशन वाइज करेक्ट है। और जब वो सारे करेंसी चेस्ट से मेरे को आ गया, 432 करेंसी चेस्ट से फिजिकल साइंड स्टेटमेंट कंपाइल करना भी अपने आप में टास्क है। उस टाइम मेल कोई पढ़ता नहीं था, व्हाट्सएप होता नहीं था, फोन करने के लिए भी हमारे स्टाफ को बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते थे, फिर उसमें फॉलो अप भी करना पड़ता था, बट हमने वो किया। और वो सब डेटा आने के बाद मैंने एक लंबा नोट पुटअप किया डिपार्टमेंट के अंदर कि देखिए ये मैं पिछले 45 दिनों से कर रहा हूँ, अब टाइम बढ़ चुका है, करते करते 45 दिन से मैंने ये हिसाब मिलाया है, ऐसे डिनोमिनेशन वाइज डिफरेंस अब मैंने नील कर दिया है और नेट डिफरेंस इतना बना हुआ है। हम मानेंगे जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है वो करेक्ट है क्योंकि ये सर्टिफाइड बैलेंस है। इसके बेसिस पे मैं डिनोमिनेशन वाइज अपने सिस्टम में वन एंट्री पास करके सब ठीक कर देता हूँ। जीएम सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया, डू यू हैव द अथॉरिटी टू पास सच एन एंट्री? मैंने बोला, सर देर इज नथिंग विच प्रोहिबिट्स, सो वी शैल टेक द एडवांटेज। अगर मैं इसकी परमिशन मांगूंगा सेंट्रल ऑफिस से, मुझे मिलेगी नहीं, मैं जानता था। और ये जो डिफरेंस यहाँ पर 12 साल से खड़ा हुआ है, अगले 12 साल तक ऐसी रहेगा, लेकिन मैं कर सही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने फिजिकल बैलेंस को सही माना हुआ है, जो सही होगा। और जो नोट हमने इशू किए हैं वो हमको पता है कि हमने इस डिनोमिनेशन के इतने इतने नोट इशू किए हैं, वो गलत नहीं हो सकते। ही अंडरस्टूड माई लॉजिक और 45 दिन का रिकॉर्ड भी उनको दिख रहा है। उनने कहा, ठीक है मैं इसकी अप्रूवल तो नहीं दे सकता, बट तुम एक लेटर तैयार करो जो तुम सेंट्रल ऑफिस को लिखोगे, मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा, जीएम की फॉरवर्डिंग से ही जाएगा सेंट्रल ऑफिस को, और उसके साथ में तुम ये सारे अटैचमेंट लगाना जो तुम ये 5-7 पेज का पूरा एक्सेल शीट का प्रिंट आउट लाए हो, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये काम कैसे हो रहा है। मुझे लगा ठीक है, और मैंने बिना कोई अप्रूवल के वो एंट्री पास की, उस पूरे लेटर में लिखा कि मैंने क्या किया है, और फाइनली हमने अपने अकाउंट्स को टैली कर दिया है। लेटर सेंट्रल ऑफिस को भेजा गया, 3 या 4 दिन बाद मेरे लैंडलाइन पे फोन आता है डेस्क पे, मिस्टर जोशी। मैंने बोला, यस मैम। देन शी सेड, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डीसीएम डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, हाउ कैन यू पास दिस एंट्री, बिकॉज यू आर नॉट रियलाइजिंग द सीरियसनेस, योर नेट डिफरेंस इज ओनली 2,90,000, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रॉस डिफरेंस विच इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हाउ डू वी नो दैट द रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज करेक्ट। मैंने उन्हें समझाया कि मैम ऐसा ऐसा है, हमने ये वर्क किया, आप देखिए मैंने एक्सेल शीट का प्रिंट आउट लिया हुआ है, पूरा डिटेल लगाया है, और किस तरीके से मैं पिछले 2 महीने से ये डेली ट्रैक रख रहा हूँ और ये कॉन्स्टेंट है। और जहां तक बात है ये नेट डिफरेंस के लिए अकाउंटिंग एंट्री पास करने की, तो मैंने पूरा मैनुअल पढ़ा, देर इज नथिंग विच प्रोहिबिट्स। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती करी है, तो यू प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, आई विल रिवर्स द एंट्री। आई थिंक दैट वॉज समथिंग विच क्लिक टू मैडम, क्योंकि मेरे पास अभी भी वो, क्योंकि भले से ही मैंने गलती करी हो लेकिन उसको करेक्ट करने का तरीका भी मेरे को मालूम है। अब सेंट्रल ऑफिस के लिए प्रॉब्लम यह है, अगर मैंने कोई काम सही किया है वो उसको ये कैसे बोले कि नहीं तुम इसको अंडू करो, तुम इसको गलत करो। मैं बोल रहा हूँ मैंने अकाउंट टैली कर दिए हैं, और आप बोलोगे नहीं इन्हें वापस फिर से गलत करो। उन्होंने बोला, ओके आई विल गेट बैक टू यू, बट आई नो कि दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड मैटर, रिटर्न में ऐसे कुछ नहीं आएगा। और ऐसा करते करते टाइम निकल गया। ये काम करने के बाद मैंने डीजीएम सर को बोल दिया, नाउ मिस्टर वेंकटेश इज एट योर डिस्पोजल। इवन मैंने मिस्टर वेंकटेश को भी काफी समझाया कि अब आप प्रमोशन ले लीजिए, क्यों हैदराबाद से बाहर जाने से इतना घबराते हैं,
सेक्शन से ट्रांसफर तो उनका कुछ दिनों में हो गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने प्रमोशन भी लिया, वो ग्रेड ए ऑफिसर भी बन गए। और उस बीच मेरा भी सेक्शन से ट्रांसफर हो गया। आई थिंक 4-5 महीने बाद सेंट्रल ऑफिस से लेटर आया कि हमें ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है, आपकी एंट्री इज नाउ रेक्टिफाइड। ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड मतलब बोर्ड कमेटी की अप्रूवल मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वो भी मेरे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द RBI। मेरी वर्स्ट पोस्टिंग आज मुझे अपनी बेस्ट पोस्टिंग लग रही थी। अकाउंट्स तो मेरा कभी भी फेवरेट नहीं बन पाया, बट वहां पे मैंने IT की मास्टरी ली, यूनिक्स का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे। बाद में मुझे पूरे ऑफिस का IT का इंचार्ज बना रहे थे, बट मैंने हाथ जोड़ के बोला दिस इज नॉट माई बेस्ट लव, मैं तो बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर भी नहीं हूँ। बींग एन RBI ग्रेड बी जर्नलिस्ट गिव्स इमेंस अपॉर्चुनिटी इन दिस सीरीज। This is my aim to demystify the working of RBI. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू हैव एनी questions, प्लीज ask in the comment. We at Examby are here to make your job preparation 50% faster. All the best.